हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक न्यूज। सो फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने अपना ऑफिशियल गेम लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है इंडियन एयरफोर्स। इसको पबजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह iOS और एंड्रॉयड दोनों सॉफ्टवेयर्स पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इस गेम के पूरे स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं गेम को स्टार्ट करूंगा तो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल लोगो शो करता है। इसके बाद आपको इंडियन एयरफोर्स अकट एबव का लोगो शो करता है और उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। इस गेम का इंटरफेस बहुत ही बेसिक सा है, आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। अगर मोबाइल गेम को नीचे में देखें तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको देखेंगे। पहला है करियर नेविगेशन, दूसरा है अबाउट आई है, तीसरा है क्रेडिट। तो पहले करियर नेविगेशन पे देख लेते हैं। करियर नेविगेशन पर क्लिक करेंगे तो ये एक इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा जहाँ से आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाए होंगे, यहाँ से आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको छोड़, इसको बैक करके आप दूसरे टैब के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा टैब है अबाउट आईएएफ, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी एक ऑफिशियल साइट है जहाँ से इंडियन एयरफोर्स के पूरे डिटेल्स में दिया होगा, वहाँ से आप जाकर जरूर विजिट करें। और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जो गेम डेवलपर हैं उनके बारे में दिया होगा और नीचे लिखा होगा मेक इन इंडिया और इंडियन एयरफोर्स का ऑफिस जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में उसका ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर दिया है बस। और ऊपर में देखेंगे जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख लेंगे ग्राफिक्स कार्ड जो है यहाँ पे अल्ट्रा तक है, तो मैं इसको अल्ट्रा पे रखता हूँ। उसके बाद दूसरे सेटिंग्स के जस्ट बगल में देखेंगे तो एक पेज बनाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ से आप अपना इसका फेस आप देख सकते हैं। ये कुछ अभिनंदन सर जैसा है, अभिनंदन सिंह जैसा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना अपना रियल फेस लगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रहने दूंगा यहीं पे। और दूसरा देखिए ये जो आप ट्रॉफी मतलब जो जो गेम को लेवल क्रॉस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप क्या क्या मतलब बैचेस ऐड कर सकते हैं। बस इस मेन गेम की बात कर लेते हैं तो जैसे मेन गेम में देख आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रेनिंग, दूसरा सिंगल प्लेयर, तीसरा है फ्री फाइट। तो पहले ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग में आपको 3 तरह की ट्रेनिंग है। पहला टेक ऑफ एंड नेविगेशन, तीसरा है एयर अटैक और चौथा है लैंडिंग। तो पहले प्रत्येक ट्रेनिंग सेक्शन में आपको 3 स्टार लाना अनिवार्य, नहीं तो आपको नेक्स्ट लेवल अनलॉक नहीं होगा। जैसे ही आप तीनों ट्रेनिंग में 3 स्टार ला लेंगे तो आपको पहला गेम अनलॉक हो जाएगा। तो पहले सिंगल प्लेयर पे क्लिक कर लेते हैं। सिंगल प्लेयर पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे लेवल दिखेंगे, इसमें बहुत सारे हैं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है, नेचर डिजास्टर है, ये सब बहुत सारे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 10 के 10 अनलॉक कर लिए हैं। और तीसरा है फाइट फ्री, यहाँ से आप देख सकते हैं है MI-70, C-70, अपाचे, मेरा 2000, SU-30, रफाल। यहाँ से आप इन सब के साथ प्ले कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक SU-30 के साथ गेम स्टार्ट करके देख लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो रहा है। गेम स्टार्ट होने के बाद पहले आपको इसका फुल एक्सेल कर लेना, उसके बाद टेक ऑफ करना। टेक ऑफ करते ही ये देख सकते हैं आप किस तरह वर्क हो रहा है। यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेंगे तो व्यू चेंज हो जाएगा, नीचे से व्यू आएगा। और एक बार और टैप करेंगे तो प्लेन के अंदर से व्यू आएगा। दूसरी बार टैप करेंगे तो आप पूरा हेलीकॉप्टर का व्यू आएगा, यहाँ से आप हेलीकॉप्टर का पूरा व्यू देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इस गेम में इतना ही कुछ था। ये सब कह रहे थे कि ये पबजी जैसा, लेकिन ये पबजी जैसा नहीं है, एक इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल गेम है बस। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।